ओम शांति। आप सबको स्वागत है 19 जुलाई की ईश्वर वरदान में, जहाँ परमपिता परमात्मा कहते हैं कि एक बाप दूसरा न कोई। जब हमारा सारा फोकस एक के ऊपर रहता है तो हमारी सारी इच्छाएं और उससे ख़त्म हो जाती हैं, एक प्रकार से मरी जाती हैं। तो वैसे भी लोग कहते हैं कि इस दुनिया में दुखी दुख है, लोग सुख नहीं देते हैं। तो हमें सारा सुख केवल एक परमात्मा से मिले तो हमारे लिए तो हर कोई मर चुका है। मर चुका है मतलब लिटरली मर नहीं गया है, लेकिन उनसे हमें कोई इच्छाएं नहीं रही हैं। हमें पता है कि हम सिर्फ परमात्मा से सारी इच्छाएं रखें इस कलयुग के अंत में, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बना दें, इंडिपेंडेंट बना दें, और अब सारी बंधनों और सारी बाधाओं को तोड़ने का समय है। तो देखें परमात्मा कहते क्या हैं। बाबा कहते हैं, एक बाप दूसरा ना कोई। इस स्थिति द्वारा सदा एक रस और लवलीन रहने वाले सहज योगी भव। एक रस स्थिति मतलब कि मन बुद्धि विचलित नहीं हो रहा है, क्यों क्या कैसे कहाँ कब में नहीं जा रहा है। और लवलीन रहने वाले सहजयोगी भव। एक बाप दूसरा ना कोई। जो बच्चे ऐसी स्थिति में सदा रहते हैं, उनकी बुद्धि सार स्वरूप में सहज स्थित हो जाती है, कि उनको किसी और से कोई इच्छा नहीं रहती, ना प्रेम की, ना सुख की, ना आनंद की, ना खुशी की। इसलिए वो अंदर से रोते नहीं हैं, वो हमेशा अंदर से सुखी और खुश रहते हैं, क्योंकि उनकी सारी इच्छाएं पूर्ति करने वाले परमपिता परमात्मा हैं, गॉड फादर हैं। तो उनका योग भी बहुत अच्छे से लगता है, वो परमात्मा सारे सारी इच्छा रखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप औरों से ईर्ष्या करें, घृणा करें, नफरत करें और औरों को धिक्कारें, इसका ये मतलब नहीं है। एक बाप दूसरा ना कोई का मतलब ये नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं कि आप औरों के लिए करते रहते हो, लेकिन आपको औरों से कुछ इच्छा नहीं होती कि मेरे लिए अच्छा बोले, मेरे को नाम मान शान दें, मेरे को प्यार दें, मेरे को रिटर्न दें, मेरे को गिफ्ट दें, कुछ फिजिकल गिफ्ट दें, भौतिक गिफ्ट दें, इन चीज़ों की आपकी इच्छा नहीं होती उनसे। तो परमात्मा कहते हैं, जहाँ एक बाप है वहाँ स्थिति एक रस और लवलीन है। अगर एक के बजाय कोई दूसरा तीसरा आया तो खिट खिट होगी, क्योंकि अटेंशन स्पैन, अटेंशन सीकिंग, तो तनाव होगा ही होगा। इसलिए अनेक विस्तारों की को छोड़ सार स्वरूप का अनुभव करो, और एक से, दो से, तीन से, चार से इच्छाएं ना रखो। आपने कुछ किया उनके लिए और आपको कोई अगर उनसे इच्छाएं हुई और परमात्मा से आपको प्रेम सुख शांति नहीं मिल रहा, क्योंकि आपका योग नहीं परमात्मा से, तो ऑटोमेटिकली खिटपिट होनी शुरू हो जाएगी, खिटखिट होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि वो खिटखिट को अगर आप रोकना चाहते हो तो सारी इच्छाएं एक से करो। तो कभी कभी हम किसी के लिए काम करते हैं, किसी को मदद करते हैं, उसका हमने हम इसलिए मदद करते हैं, काम करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें कोई अच्छा बोले, ताकि हम अच्छा फील करें, महसूस करें, और जब वो चीज़ रिटर्न में आती नहीं है तो फिर हमें दुख होता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, एक बाप दूसरा ना कोई, मुझसे सब इच्छाएं रखो और कर्म करते रहो अपने, और कर्म के फल की इच्छा ना रखो। बाबा कहते हैं, तो अनेक विस्तारों से छोड़ सार स्वरूप का अनुभव करो, एक की याद में एक रस रहो तो सहज योगी बन जाएंगे। इजी योगी कि मुझे सारी इच्छाएं परमात्मा से, तो वही याद आता है जो कि सारी इच्छाएं पूर्ति करता है। तो परमात्मा से सारी इच्छाएं भौतिक नहीं, सूक्ष्म। प्रेम सूक्ष्म होता है, शांति सूक्ष्म होता है, खुशी सूक्ष्म होती है, आनंद सूक्ष्म होता है, ये फिजिकल नहीं है। तो ये इच्छाएं पूर्ति करते हैं परमात्मा, जो कि हम भौतिक दुनिया में इंसान में ढूंढ रहे थे अभी तक। तो आप भी इन सारी प्रॉब्लम से, इन सारे बंधनों से छूट सकते हैं अगर आप भी 7 डेज का कोर्स करें, और साथ ही साथ एक बाप दूसरा ना कोई का मतलब समझें। इसके साथ ओम शांति।